के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम राहे हिदायत और मैं हूं आपकी मेज़बान राबिया अनम। इस प्रोग्राम के आगाज़ में उन तमाम ही व्यूवर्स का बहुत शुक्रिया जो अपने मोहब्बत भरे पैगामात भेज रहे हैं। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने एक ऐसा शो लेके आएँ जिस पर हम अच्छी सैर हासिल गुफ्तगू कर रहे हों ऐसे मौजूद पर जो हमारी ज़िंदगियों के बहुत करीब हैं। और नाज़रीन कराम, हमने जो पिछले शोज़ में पहले निकाह से मुतालिक, तलाक से मुतालिक, और आज भी हम उसी कंटिन्यूटी में एक ऐसे मामले पर बात करने जा रहे हैं तलाक, और फिर जो ख़वातीन को हक हासिल है खुला का, उस पर भी बात करेंगे। दीन में क्या हैसियत है, हमारे कवानीन में किन किन मामलात पर, क्योंकि जब आप कोर्ट्स में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको दिख रही होती हैं कि आप हैरान हो जाते हैं कि क्या हमारी दीन में इसकी गुंजाइश है या नहीं है। और बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं जो जायज़ और नाजायज़ तरीके से किए जा रहे हैं, तो आज इन तमाम मामलात पर हम अपने शो में बात करेंगे। और तलाक़ के बारे में अहादीस बेशुमार हैं, लेकिन उसमें से एक ये भी है कि बड़े गुनाहों में से एक गुनाह ये भी है कि तुम शादी करो, अपनी ज़रूरियात उस खातून से पूरी करो और फिर उसे तलाक दे दो। तो ये इतनी बड़ी बात है, लेकिन इसे हमने इतना नॉर्मलाइज़ कर दिया है, हम इसको इस तरीके से देखते हैं अब कि हमें लगता है कोई बड़ी बात है ही नहीं। हमारे साथ जो मेहमानान गिरामी मौजूद हैं, आपने इन्हें पिछले शोज़ में भी बात करते हुए सुना, डॉक्टर सबीहा और ज़ुनैर अंबर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप अपने सवालात हमें ईमेल के ज़रिए भिजवा सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस स्क्रीन पर आपके सामने है, और आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर भी अपने मैसेजेस भिजवा सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवालात हो सके हम शामिल करें, और सवाल से ही हम आज आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो सवाल आया है माहीन मेमन का, ज़ुनैर साहब आपसे मैं आगाज़ करूंगी। वो पूछती हैं कि हमारे दीन में औरत को बहुत सारे हुकूक हासिल हैं लेकिन तलाक का हक नहीं दिया गया, यह हक सिर्फ मर्द के लिए क्यों है? ऐसा नहीं है, दीन इस्लाम में जो तकसीम की गई है हुकूक और फ़राइज़ की, वो हर इंसान की जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से की गई है। निकाह का जिम्मेदार चूंकि मर्द को बनाया गया है, और वो कहते हैं ना उकदातुन निकाह, के निकाह की गिराह जो है वो मर्द के हाथ में है, महर मर्द को देना है, तो मर्द ही ये डिसीजन लेता है, निकाह करता है, प्रपोजल वहां से आता है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। दूसरी बात ये कि ऐसा है कि ख़वातीन के लिए दूसरा हक है खुला की सूरत में, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए कि नागुज़ीर हो जाए उस शौहर के साथ रहना, तो ऐसा नहीं है कि अगर मर्द तलाक नहीं देगा तो खातून सोचेगी कि बस अब मैं अपनी ज़िंदगी चाहे जहन्नुम मेरी बन जाए, मैं तो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये राइट मेरा नहीं है। एक बात ये, दूसरी बात ये कि देखिए ये बिल्कुल सच है, और मैं इसको लॉजिकली भी देखती हूँ, साइकोलॉजिकली भी, कि ख़वातीन के जो मिजाज में उतार चढ़ाव आता है और जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं और जिस तरह से वो इमोशनल है, तो मैं तो कहती हूँ अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसके तीन दफा कह देने से, वरना अगर वो तैयार होकर आती और शौहर कह देते कि ये कलर आप पे सूट नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि वो इतनी सी बात पे ही फारिग कर देती शौहर को। मगर मर्द इतनी जल्दी ये डिसीजन नहीं लेता। आप देखिएगा बहुत सा, हम नेगेटिव साइड भी देखते हैं लेकिन पॉजिटिव भी देखना चाहिए, बहुत सी फैमिलीज में जिंदगी भर इनके अंदर एक कूल वॉर होती रहती है, लेकिन मर्द बहुत जल्दी नहीं करता डिवोर्स करने में। आजकल थोड़ा ज्यादा बच्चे ना लाउबाली हो गए, वरना मर्द बहुत सोच समझ के डिसीजन लेता है, चाहे उस पर घर का प्रेशर हो, फैमिली का हो, या खातून मिजाज भी हो। के हार्मोनल चेंजेस आते हैं उसकी वजह से मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। एक हमारे पास जो सवाल है डॉक्टर सबिया, मैं आपके पास आना चाहूंगी। रोजीना अफरीदी हैं पेशावर से, इन्होंने सवाल किया। वो कहती हैं कि मेरा खावंद एक सख्त मिजाज और लापरवाह आदमी है, वो अक्सर मुझे मारता पीटता है, मैं उनसे बहुत तंग आ चुकी हूँ। ख़वातीन बहुत सारी जो मेरे इर्द गिर्द हैं, जैसे मेरी माँ, वो मुझे ये समझाती हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है इसका सिला तुम्हें आखिरत में मिलेगा, क्या मैं ये सोचकर इसके साथ ज़िंदगी गुजारूँ या ऐसी सूरत में अपने शोहर से तलाक हासिल करने पर हक बजाने पूँ, क्या फरमाएँ? देखिए आपके सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब तो ये है कि वो इस सूरत में तलाक हासिल करने में, खुला लेने में, तंसुख निकाह में बिल्कुल हक बजाने, अच्छा बिल्कुल हक बजाने भी, क्योंकि अभी जैसे ज़ुनैरा ने गुफ्तगू की तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर सूरत हाल ऐसी हो कि मार पीट ये वो सब कुछ हो, तो इस सूरत में औरत को इख्तियार है कि वो खुला ले ले,
خلا کی گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ اس کی تعریف بھی ہو جائے گی یا وہ نکاح کی تنسیخ کرا لے اگر خلا کے لیے شوہر راضی نہیں ہے تو تنسیخ نکاح کرا لے عدالت کے ذریعے اطلاع لے لے. اچھا اب یہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کے ثواب کا یا ان کی والدہ کا تعلق ہے, والدین نہیں چاہتے کہ بیٹی کے گھر تک خراب ہو اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں اندر کے حالات تو جو سفر کر رہا ہے اسے معلوم ہے نا کہ کیا صورت حال ہے. مرد کو جائز ہی نہیں کہ وہ بیوی کو مارے, وہ مارتا کیوں ہے, پہلے ہی ناجائز کام کرتا ہے وہ تو, اور پھر اس کی کوئی دلداری نہیں کچھ نہیں, تو وہ بالکل حق بجانب ہے وہ طلاق لے لیں. اللہ کی طرف سے ان کے اوپر ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی سرزنش نہیں ہے, کوئی گرفت نہیں ہے خدا کی طرف سے. ہاں اگر وہ اتنا برداشت کرے اور والدہ کا کہنا مانے تو وہ دوسری بات ہے, وہ ان کے اوپر ہے, ان کے اوپر, لیکن ان کے لیے کوئی گناہ نہیں. صاحب کون کون سی امپورٹنٹ میں کہوں گی کہ پوائنٹس ہیں جس کے اوپر خلا کا حق رکھتی ہیں خواتین, دین میں کہاں کہاں پر اجازت دی؟ دیکھو ایک تو تم نے ابھی جو بات بتائی, یعنی اگر وہ اس کے حقوق پورے نہ کرتے ہو, چاہے اس کی وجوہات کچھ بھی ہو, یہ اتنا خدا نخواستہ فقیر ہے کہ نہ نفقہ نہیں دے سکتا, یا اتنا کمزور ہے کہ اور حق زوجیت ادا نہیں کر سکتا, یا اتنا بد مزاج ہے کہ بات بات پہ روکتا ٹوکتا مارتا پیٹتا ہے, یا اس کا دھیان نہیں کرتا, اس کا خیال نہیں کرتا, اس کے ساتھ بری گفتگو کرتا ہے, یہ سارے وہ عوامل ہیں جس کے اندر خلا بالکل اللہ تعالیٰ نے جائز کر. خلا کے لیے رضامندی مرد کی ضروری ہے, بے شک ان کی ضرورت, اور تنسیخ نکاح کے دونوں کو ذرا ڈیفرنشیٹ کر دیں. اگر زنیر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکو گے اللہ, تو پھر کیا کرو کہ الگ ہو جاؤ. ٹھیک, تو پتہ یہ چلا کہ جب ہم ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض ادا نہیں کر پاتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بجائے اس کے کہ اسی سچویشن کو کنٹینیو رکھو اور ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرتے رہو, خاموشی کے ساتھ احسن طریقے سے جدا ہو جاؤ. اصل بات یہ کہ دیکھیں خلا کی نوبت کیوں آتی ہے, شوہر تنگ کر رہا ہے یا تکلیف پہنچا رہا ہے اور بیوی کو چھوڑ بھی نہیں رہا, ٹھیک ہے, تو پھر وہ جائے گی خلا کی طرف. یا فرض کیجئے کہ وہ تنگ بھی نہیں کر رہا لیکن بیوی وہ چھوڑنا بھی نہیں چاہتا, مگر بیوی کا کوئی ایسا پوائنٹ ہے, مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک خاتون نے آ کر کہا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی, تو آپ نے فرمایا کیوں, کیا تمہارے حقوق ادا نہیں کرتا؟ اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے, یعنی ساری باتیں اس نے کہا ٹھیک ہے, بس مجھے اس کی شکل پسند نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلوایا اور فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو. تو بات یہ ہے کہ جب شوہر نہیں چھوڑا ہوگا تو عورت کو درخواست دائر کرنی پڑے گی خلا کے لیے, چاہے وہ شوہر سے ہی کہے چاہے وہ کورٹس تک بات چلی جائے. اور کئی دفعہ ایسی سچویشن میں ہمارے ہاں یہ کورٹس میں, کیونکہ میں نے لا بھی کیا ہوا ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مرد چھوڑتے بھی نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں تمہیں میں زندگی بھر پریشان کرتا رہوں گا, تمہاری جان بھی نہیں چھوڑوں گا. تو ایسی صورتحال میں پھر خاتون کے لیے یہ ایک وے آؤٹ ہے کہ وہ قاضی اس زمانے میں ہوا کرتے تھے, آج عدالتیں ہیں کورٹس ہیں جہاں پر جا کر وہ کورٹ اس شوہر کو اپروچ کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ وہ ڈیوس دے, اگر وہ غائب ہو جائے اور وہ نہ ہیئرنگز پر آئے اور وہ کوئی رسپانس نہ دے, اور ایک لمیٹڈ ٹائم کے بعد پھر کورٹ اپنے طور پر ڈیکری کر دیتا ہے ڈیوس کو, ڈیسولوشن آف میرج نکاح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی زنیرا, یہ گلبدین جاوید ہیں آزاد کشمیر سے, انہوں نے سوال بھیجا ہے کہ نکاح کی تنسیخ کے حوالے سے عدالت کے کیا اختیارات ہوتے ہیں؟ کورٹس میں تو بہرحال یا قاضی بھی زمانے میں جو ہوا کرتے تھے تو وہ پہلے یک طرفہ فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک کہ اس شخص کو نوٹس نہ بھیجے. ٹھیک ہے, نوٹس دیے جاتے ہیں کبھی کبھی جان بوجھ کے خواتین کی طرف سے, ان کے وکیل یہ کرتے ہیں کہ وہ ایڈریس غلط لکھ دیتے ہیں یا نوٹس پہنچنے ہی نہیں دیتے, اور پھر تاکہ ان کے حق میں جلدی فیصلہ ہو جائے. تو بات یہ ہے کہ اصول اس کا یہ ہوگا کہ عدالت میں جب خاتون کیس اپنا دائر کریں گی تنسیخ نکاح کا تو کورٹ اس کو سمن بھیجیں گے کہ تمہیں ہیئرنگ کے لیے آنا ہے. بالکل صحیح, پری ٹرائل میٹنگز ہوتی ہیں, پوسٹ ٹرائل میٹنگز ہوتی ہیں, سمجھایا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے کہ شاید کوئی مفاہمت ہو جائے, نہیں ہوتی تو پھر وہی والی بات ہے کہ چھوڑ دے مرد. اگر لیکن اگر مرد فالو نہیں کرتا, کوئی ہیئرنگ پہ نہیں آ رہا, کوئی رسپانس نہیں دے رہا, یا وہ کہتا ہے کہ میں کسی صورت بھی خلا دینے کے لیے یا ڈیوس دینے کے لیے تیار نہیں ہوں, تو اس صورت میں کورٹ عدالت تو کہتی ہے کہ آپ ایویڈنس پرووائڈ کریں کہ کیا پرابلمس ہیں. لیکن اب اس پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جب خاتون ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تو اس کو کوئی جس طرح بہت سے ایویڈنس کی ضرورت نہیں, جب وہ نہیں رہنا چاہتی تو کوئی چاہے مرد ہو یا خاتون,
जब वो एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते तो ना मजहब और ना कानून उनको फोर्स कर सकता है कि सबूत लाओ तुम्हें क्या तकलीफ है, तभी हम तुम्हें इससे छुड़वाएंगे। बस यही बहुत काफी है कि नहीं रहना चाहते। अब ये अल्लाह का और उनका मामला है कि अगर बिला वजह रिश्तों को तोड़ रहे हैं तो गुनाहगार होंगे। तो अगर शौहर की तरफ से ना फॉलो अप किया जाए तो फिर कोर्ट एक तरफा डिक्री कर सकते हैं, वो बिल्कुल ठीक है। एक मुख्तसर से ब्रेक की जानिब जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बहुत सारे अहम सवालात हैं खुला से मुतालिक, तलाक से मुतालिक, बहुत सारी माएँ हैं जो परेशान हैं, सवालात पूछना चाहती हैं, सारे सवालात अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। राह हिदायत प्रोग्राम आप देख रहे हैं, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहबा मौजूद हैं, जुनैरा साहबा मौजूद हैं, अपने जो सवालात हैं उनके सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। रेहाना नज़ीर है नारोवाल से, डॉक्टर साहबा पूछती हैं कि मैंने अपनी बेटी की शादी तकरीबन 2.5 साल पहले की थी, बाज़ घरेलू तनाज़ात के सबब मेरा दामाद अपनी बीवी को ये कहकर दुबई चला गया कि मैंने तहरीरी तलाक अपने वालिद साहब के हवाले कर दी है, तुम उनसे ले लेना। दुबई पहुंचकर भी उसने बीवी को 3 मरतबा फ़ोन पर तलाक दी। मेरी बेटी अब मेरे पास आ गई है, सवाल यह है कि क्या मेरी बेटी को तलाक हो गई है, और दूसरा ये कि उसकी इद्दत अब कब से शुरू होगी। जब उसे तलाक का इल्म हुआ, यानी जब वो ये कह गया कि मैंने दे दी है तलाक, तहरीरी तलाक वालिद साहब को, जी वालिद साहब को दे दी, तो जिस दिन उसने तहरीरी तलाक लिखी है तब से उस दिन से उसकी इद्दत शुरू हो जाएगी। और ये जो हमारा इससे पहले का जो सवाल था 6 बरस का अरसा, तो देखो एक बात यहाँ पे वाजे कर दूँ कि ये फुरकत और कुर्बत कोई मानी नहीं रखती, कोई मानी नहीं रखती इस्लाम में। जिस दिन होगी तलाक, जिस दिन होगा खुला, उस दिन से फिर इद्दत करनी पड़ेगी। अगर 6 साल क्या 600 बरस भी कोई ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जुनैरा, इसका आप क्या मौशती पहलू इसमें क्या देखती हैं कि जो बच्चियां सफर कर रही हैं और उनसे ये प्रॉमिस किया जाता है निकाह के वक्त के वो साथ लेकर जाएंगे, लेकिन फिर उनको यहाँ पर छोड़ दिया जाता है और कई कई सालों तक, बल्कि वो सिर्फ उनकी औलादे होती हैं यहाँ पर जब वो मिलने आते हैं और उसके अलावा कोई जिंदगी में एक साथ रहने का मामला नहीं होता, ये उन बच्चियों के लिए कितना बुरा है? और पेरेंट्स जो होते हैं या लड़के वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि वो पूरा नान नफका भेज रहा है, पैसे भिजवा रहा है, तो किस चीज़ की कमी है? तो ऐसे में कितना ख्याल रखना चाहिए इन सेंसिटिव? देखिए, अब ये टोटली खातून के ऊपर है कि आया वो इस सिचुएशन से राजी हैं। बहुत सी हमारी ऐसी खवातीन हैं कि वो देखती हैं कि हमें खर्चा मिल रहा है और बच्चे भी हैं माशाल्लाह और आराम से ज़िंदगी बसर कर रही है, तो वो बसर कर रही हैं, वो माइंड नहीं करती। ठीक है, वो नहीं करती माइंड तो उनकी मर्जी, लेकिन शरई तौर पर उनका इख्तियार है कि उनको शौहर उनके साथ रहे, बच्चों के साथ उनका बाप रहे, और अगर इस बात पर वो अलग होना चाहती हैं तो अलग हो सकती हैं। और अच्छा। इसीलिए हज़रत इमाम अबू हनीफा और हमारे जो जमहूर उलमाए कराम ने 4 साल की मुद्दत तय की थी कि अगर शौहर लापता हो जाता है 4 साल तक, अच्छा, पलट कर नहीं देखता तो खातून तनसीख निकाह का मुकदमा दर्ज कर सकती हैं। अच्छा। और इमाम मालिक ने तो ये तक फरमा दिया कि अगर खातून फर्ज की, जब ये फिर वही बात की अपनी अपनी सोच की और मिजाज की बात है, अगर कोई खातून कहती है कि मैं तो 2 दिन भी किसी अपने शौहर के बगैर नहीं रह सकती, और खुदा ना खास्ता उनका बदकारी का या किसी बुरे तरफ जाने का चांस है, तो उस सूरत में तो 2 दिन भी उनको इंतजार करने का हुक्म नहीं है कि वो निकाह को खत्म कर लें और दूसरा निकाह कर लें। लेकिन टोटली ये खातून के ऊपर है। हाँ, ये नहीं हो सकता कि वो गया हुआ है तो इस वजह से वो शादी खत्म नहीं होगी जब तक कि या तो वो शौहर खुद खत्म ना करे या फिर कोर्ट से ये तनसीख निकाह के लिए दरख्वास्त ना दे। और ये पहलू भी हमने पहले भी कहा था कि इस पर हम बात करेंगे, तो मैं चाहती हूँ उस पर थोड़ा सा फोकस करें कि जो मर्द हजरात बाहर चले जाते हैं और वो कई सालों तक, क्योंकि आप इस पर काम भी करती रही हैं, वो कई सालों तक कहते हैं कि जी वो डॉक्यूमेंटेशन का मसला है इसलिए आप आ नहीं पा रही, तो इस पर आपके, मैं चाहती हूँ जरा दूसरे पहलू से भी बात करें। बहुत फायदा इंशाल्लाह होगा। बाहर जो लोग शादियां करना चाहते हैं और स्पेशली हमारे बच्चों में, लड़कों लड़कियों में आजकल बहुत क्रेज है कि वो कहते हैं किसी भी तरह बस हमें बाहर जाने का मौका मिल जाए, तो अगर तो वो ये एट एवरी एक्सपेंस और एनी एक्सपेंस वो रेडी है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो उनको मेक श्योर करना पड़ेगा कि जिससे वो शादी कर रहे हैं, चाहे मर्द या औरत दोनों की बात कर रही हूँ, जिसकी भी शादी हो रही है, कि उसका वहाँ स्टेटस क्या है। पहली चीज ये, अगर तो वो वहाँ पर वर्क परमिट पर है या वो रेजिडेंट है तभी वो स्पॉन्सर कर सकता है आपको, अगर वो खुद इलीगल है या विजिटर है तो स्पॉन्सर नहीं कर सकता, या स्टूडेंट वीजा पर है, या स्टूडेंट वीजा स्टूडेंट भी कर सकता है, डिपेंड करता है कि वो कौन से कोर्स में है। अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ पर ये चीज आ जाएगी कि अगर उसका वहाँ पर रिकॉर्ड क्लियर है और वो पहले से शादीशुदा नहीं है, अगर शादी हुई थी और खत्म हो चुकी है,
तो उस सूरत में जब वो यहाँ पाकिस्तान में शादी करेगा तो फिर उसको राइट होगा कि वो यहाँ से लड़का शादी करके लेके जा रहा है लड़की को, या लड़की लड़के को शादी करके ले जा रही है, अगर उनकी पिछली शादी के मामलात क्लियर हो चुके हैं कोर्ट से तो फिर वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती हैं, लोग वहाँ जॉब नहीं कर रहे होते हैं या इलीगल होते हैं या ऑलरेडी मैरिड होते हैं और वो वहाँ शादी को ख़त्म नहीं किया होता उन्होंने, फिर यहाँ शादी कर लेते हैं और फिर कहते हैं अभी अप्लाई किया है, अभी हो नहीं रहा, अभी जवाब नहीं आया। तो जवाब नहीं आने का कोई रीज़न लीगल नहीं है, 4 मंथ से लेकर 8 मंथ्स और बहुत ज़्यादा हो जाता है तो एक साल से ज्यादा उन लोगों को अलाउ ही नहीं है कि वो आपकी एप्लीकेशन को रख कर बैठे अच्छा। रहे। उनको ये डिसीजन तो अगर कोई ये बहाना बना रहा है एक लंबे अरसे से कि डॉक्यूमेंटेशन का मसला है हालांकि बाकी सब चीजें क्लियर है, तो इसका मतलब कोई गड़बड़ वहां गड़बड़ है, या जॉब नहीं है, या जॉब की अमाउंट उतनी नहीं है जो सर्टन अमाउंट उन्होंने तय कर दिया कि इतना आपके पास अगर आपके बैंक में इतने पैसे हैं या आपकी ऐसी जॉब है और आप टैक्स पेयर हैं, टैक्स आपका पिछले सालों का देखा जाता है, कभी कभी 10 साल का भी टैक्स देखा जाता है कि आप पहले जॉब कर रहे थे, उस सूरत में ही वो अपने स्पाउस को या अपने बच्चों को बुला सकते हैं, वरना नहीं बुला सकते। तो ये चीजें पहले एक आखिरी सवाल मैं चाहूंगी, अगर वक्त हुआ तो दोनों से बात करेंगे, मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगी। आमना है, ये पूछती है कि मेरी शादी के वक्त ससुराल वालों ने हमसे लड़के की तालीम, जो घर बार, जिस तरह उनका रहन सहन था, कमाई, इन तमाम चीज़ों से लेकर हर चीज़ झूठ कही और शादी के बाद जाकर अंदाज़ा हुआ कि ये सब बातें गलत थीं। क्या ऐसी सिचुएशन में सिर्फ गुनाह होगा उनके सर पर कि उन्होंने हमसे ये झूठ बोला, या ये निकाह भी नहीं हुआ? निकाह हो गया। अब झूठ का गुनाह तो अपनी जगह, धोखा और झूठ दोनों चीज़ें शामिल हो गई ना यहाँ, झूठ भी और धोखा भी, धोखे का भी खमियाजा भुगतेंगे, झूठ का भी गुनाह अपने सर लेंगे, ये अपनी जगह, मगर निकाह तो हो गया, निकाह तो। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली कितनी गलत बात है कि आप मुबारक है, मन गशा फलैसा मिन्ना, कि जिसने धोखा दही की वो हम में से नहीं, अल्लाह तो इस सूरत में तो उनका पूरा राइट है कि वो उसके ऊपर केस भी फाइल कर सकते हैं धोखा देने का, क्योंकि जब आप किसी को प्रपोजल को हाँ कहते हैं तो आपकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, आपको एजुकेशन सूट कर रही है, आपको सारी बातें समझ आ रही हैं, तो आपने हाँ कहा और फिर बाद में वो बिल्कुल सूरत हाल उसके अलग निकलती है, तो बहुत बड़ा ये धोखा है और बाहर तो इसके ऊपर यकीनन केस किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, मैं प्रोग्राम खत्म होने से पहले चाहती हूँ डॉक्टर साहबा, अगर आप कुछ बच्चियों के लिए जो खास तौर पर सुन रही हैं कुछ सजेशन देना चाहें कि जब शादी होती है और फिर वो ससुराल वाले भी जिस घर में वो जा रही हैं उन्हें किस तरह से ससुराल वालों को एक बहू को वेलकम करना चाहिए और वो बच्ची किन चीज़ों पर गौर करे, अगर आप 1-1.5 मिनट में। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी जिस घर में बच्ची जा रही है ना उस घर वालों का पहला फर्ज बनता है, जिम्मेदारी, क्योंकि वो बच्ची जो है एक खास माहौल छोड़ करके अपने तमाम तर लोगों को छोड़ करके, वालिदैन को, भाई बहनों को, दोस्तों को, अपना को छोड़ के वहाँ गई है, वो उसे नहीं मालूम कि उस घर का माहौल कैसा है अगर वो नहीं जानती तो, और ये ना समझे कि बिल्कुल परफेक्ट होके आई है साहब बिल्कुल हमारे माहौल में ढल जाएगी, नहीं, वो एक जैसे तुम कोई दरख्त लगाओ, वो दरख्त है उसको तुम पानी भी दोगे, सींचोगे भी, उसको धूप भी दोगे, साया भी दोगे, सब कुछ करोगे तो कहीं वो तनावर दरख्त बनेगा। तो एक बच्ची जिसको आप लेके जा रहे हैं उसको उसी तरह सींचिए, उसी तरह प्यार कीजिए, उसी तरह उसकी गलतियों को इग्नोर कीजिए, उसी तरह उसकी अच्छी बातों की तारीफ कीजिए, तो आपको अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो ये कि शौहर के अलावा जो लोग हैं उनको चाहिए जरा सा स्पेस दें, मियाँ बीवी को स्पेस दें। देखो आमतौर पर जो देखा गया है, जो मेरी स्टडी है, पता नहीं सही है गलत है, वो ये कि जौजैन के दरमियान इतने अख्तिलाफात नहीं होते जितने अख्तिलाफात बाकी मादा लोग डालते हैं, बाकी लोगों की वजह से अख्तिलाफात होते हैं, माँ ने ये कह दिया, बहन ने ये कह दिया, भाई ने ये कह दिया, ये सारी बातें होती हैं। उनको चाहिए कि इनको थोड़ा दें वक्त, दें इनको तनख्वाही, दें इनको। और देखो यही सबब है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर उसको अलग घर का मुतालबा करती है तो पूरा करो ना, अलग घर का मुतालबा भी औरत कर सकती है, अलग अलग किचन का मुतालबा भी कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, अगर कर सकते हो तो कर दो, इसीलिए ताकि ये बातें ना हो। तो मैं यही कहूँगी कि बच्चियाँ भी थोड़ा सा सब्र से, थोड़ा बर्दाश्त से, थोड़ा तहम्मुल से काम लें। असल में मुश्किल ये है हमारे यहाँ, पहली बात तो ये कि हम अरबी नहीं जानते, दूसरी बात यह कि जब निकाह का खुतबा होता है उस खुतबे को हम दरखुने नौज़ुबिल्लाह खुरे इतना ही नहीं जानते, उसके अंदर बाकायदा 5 दफ़ा डरने का हुक्म दिया गया है, और अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, क्यों? ताकि अब तुम कोई मामूली काम करने नहीं जा रहे हो, तुम्हारे सर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होने वाली है, उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार रहो, और ये दोनों का फरीजा है कि उस जिम्मेदारी को उठाएं। लड़की भी छोटी मोटी बातों को दरगुजर करे, शौहर की खिदमत करे, हर चीज़ मैं क्यों करूँ, मैं क्या करूँ, भाई
तुम समझो कि तुम्हारे क्या फ़राइज़ हैं, शौहर जाने के उसके क्या फ़राइज़ हैं, और दोनों को एक दूसरे के हुकूक और फ़राइज़ का इल्म होना चाहिए। अगर है तो वो उसके साथ अच्छी गुफ्तगु अच्छी बात करेगा और वो बीवी जो है शौहर का कहना मानेगी, और नहीं है तो फिर ये खानदान जो है वो फिर या तकलीफ़ में रहेंगे या अजियत में रहेंगे या खुदा न खास नौबत यहाँ तक आएगी जो हमने गुफ्तगु की। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, जुनैरा आपका। मैं ज़ाती तौर पर ये समझती हूँ, जैसे हर कोई हर किसी की अपनी सोच होती है, मेरी ये सोच है कि जो बच्चे अपने बुज़ुर्गों के साथ, चाहे वो दादा दादी हों या नाना नानी हों, जो उनकी परवरिश और जिस तरह की तरबियत ये लोग कर सकते हैं शायद माँ बाप भी नहीं कर पाते। तो ये सब हमारे ख़ानदानी निज़ाम की अच्छाइयाँ और कुछ उसमें पेचीदा मामलात भी हैं जिनको हमें बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हमें ये हक़ दिया गया है, आज बात हुई तनसीख़ निकाह की भी, खुला की भी और तलाक़ की भी। इससे पहले के शोज़ में हमने निकाह की खूबसूरती की भी बात की। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनमें असल में आपका दीन क्या कहता है ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें हमें दिखाई जा रही होती हैं बहुत सारी जगहों पर, वो दीन की असल अक्कासी नहीं करता। इसीलिए हम ऐसे मौजूद मेहमानों को यहाँ पर बुलाते हैं ताकि वो आपको अल्लाह की और सुन्नत से निकली हुई जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमने सीखनी है बातें, वो असल चीजें आपको बता सकें। प्रोग्राम को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। राह हिदायत में इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपने सवालात हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। अपनी मेजबान राबे आनम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।